हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आर थर्ड चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय आइस। प्रीवियस वीडियोस में हमने लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय सी वेव्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आइस से कैसे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। आइस क्या होता है? बर्फ़। बर्फ़ हमारे पास कहाँ होते हैं? जैसे नॉर्दर्न हिमालय, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ का होना, स्नोफॉल्स का होना। तो जब ग्लेशियर कटता है एक जगह से और वो पानी के फॉर्म में बहने लग जाता है, रिवर के फॉर्म में, तो वो भी इरोजन होता है और इरोजन होने की वजह से वहाँ पे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। लैंड फॉर्म्स का बेसिकली मतलब होता है ज़मीन का बनना। जैसे हमने हिमालय माउंटेन सुना होगा, आपने नॉर्दर्न प्लेन सुने होंगे, तो उसी तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म क्रिएट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ होता है। अब ग्लेशियर से कैसे बनता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हम बार बार पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जब धरती का टेम्परेचर गर्म होता है, तो वो जो बर्फ़ है, वो जो आइस है, वो फ्रोजन हुआ हुआ है, वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और बहने लग जाता है। अ ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस लाइक अ फ्रोजन रिवर्स मूविंग स्लोली ओवर अ लैंड सरफेस और डाउन अ वैली। तो लैंड सरफेस पे बहते हैं या फिर वो जमीन से स्लोप की तरफ नीचे बहने लग जाते हैं। इन सम प्लेसेस द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल एक्सीड द अमाउंट ऑफ स्नो दैट मेल्ट। द एक्सेस एक्यूमुलेटेड स्नो मास कॉज ग्लेशियर टू फॉर्म अ हाई माउंटेन रिचर्स। सम ग्लेशियर आर नियरली 200 meters थीक, इक्वल टू नियरली अ 60-story बिल्डिंग्स। कुछ ग्लेशियर्स इतने बड़े होते हैं, 200 meters थिक्स होते हैं, जो कि हमारे किसके बराबर होता है? 60-story बिल्डिंग। 60-story बिल्डिंग का मतलब होता है मंजिल होना। हम क्या बोलते हैं? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 5। तो इस तरीके से जो अगर हम 60 बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो ये इतना बड़ा बिल्डिंग के जितना ये ग्लेशियर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लेशियर मोरेन्स। एज द मास ऑफ आइस इन अ ग्लेशियर स्लाइड्स डाउन, इट इरोड द सॉइल एंड रॉक ऑन द साइड्स ऑफ द वैली थ्रू दिस विच इट पासेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगेन जो आइस है ग्लेशियर के फॉर्म, वह स्लाइड हो रही है। स्लाइड कैसे हो रही है? सॉइल एंड रॉक के साथ। द सॉइल एंड रॉक डेब्रीज कलेक्ट एंड मूव अलोंग विद द मास ऑफ आइस एंड इज कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन। अब जो आसपास में जो सॉइल है, रॉक है, छोटे छोटे कंकड़ है, वो आइस के साथ ही बहते हुए जा रहे हैं। अ मोरेन दस इज एनी ग्लेशियरली फॉर्म्ड एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंसोलिडेट ग्लेशियल डेब्रीज विच कैन अकर इन ग्लेशियटेड रीजन। हेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ ग्लेशियल मोरेन्स की किस तरीके से, ये देखो, रास्ता बनाते हुए जा रही है, अपने साथ सॉइल को लेते हुए जा रही है, रॉक्स को अपने साथ लेके जा रही है, जो ये आइस है ये बहते हुए जा रही है, तो अपने साथ ये सब चीज़ों को भी लेते हुए जा रही है। फीचर्स क्रिएटेड बाय विंड। अब हवा से भी किस तरीके से लैंडफॉर्म बनते हैं, तो हमने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में जब आंधियाँ चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो मिट्टी उड़ के हमारे घर में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं पे तो जमा होगी वो मिट्टी, तभी तो हमारे घर में आ रही है। तो क्या होता है कि एक जगह की मिट्टी पूरी उड़ जाती है और वही मिट्टी कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो जहाँ से उड़ रही है वहाँ पे भी वो जगह खाली कर रही है, और जहाँ कहीं जाके जम रही है वहाँ पे भी वो जगह खाली कर रही है। तो जब मिट्टी का इरोजन हो रहा है हवा के कारण, तो उससे भी कुछ फीचर्स बनते हैं। जैसे अभी आपको मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी, देखो, मशरूम रोग। अब ये किस तरीके से हुआ? जब हवा आई, हवा बहुत तेज चली, तो ये ऊपर तो लैंड मास था, ये तो भारी था, बट नीचे से ही हवा उसको काटते हुए लेके चली गई, तो ये इस तरीके से कटा कि एक मशरूम की शेप में बन गया। मशरूम रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड रॉक पेडेस्ट्रियल। दे आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबली स्ट्राइकिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। दीज आर यूजअली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। विंड्स ब्लोइंग एट हाई स्पीड इरोड द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक। और ये बेसिकली किससे हो रहा है? इरोजन एंड वेदरिंग की प्रोसेस से हो रहा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के जो फीचर्स है, ये डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होते हैं, वहाँ पे सैंड जो होता है, सैंड ड्यून्स, धोरे, वो बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन इट्स अपर पार्ट। दिस इज बिकॉज द सैंड पार्टिकल्स ब्लोन अलोंग बाय द विंड बींग हैवियर रिमेन्स क्लोजर टू द ग्राउंड। ये क्यों बनता है कि जो पार्टिकल्स मोटे होते हैं, जो पार्टिकल्स हैवी होते हैं, जो हवा में उड़ नहीं सकते, वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो हल्के होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। एज द सैंड लेडन विंड्स पास अलोंग द रॉक्स द सैंड पार्टिकल्स इरोड द रॉक क्लोजर टू द ग्राउंड।
वाइल द अपर पोर्शन इज नॉट अफेक्टेड एज मच दिस गिव द रोक अ मशरूम लाइक शेप. और इसी की वजह से जो नीचे का पार्ट है वो उड़ के चला जाता है बट ऊपर का कुछ भी नहीं होता है, वो जैसे था वैसे ही रहता है, इसलिए इसको मशरूम जैसी शेप मिल जाती है. सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स किसे कहते हैं, धोरे, हमारे धोरे आपने देखा होगा यहाँ पे ओसिया के धोरे, जैसलमेर के धोरे कितने फेमस है. तो ये कैसे बनते हैं, ये इसी हवा के कारण बनते हैं. सैंड इज फॉर्म्ड बाई कंटिन्यूस इरोजन ऑफ रॉक सरफेस बाई फास्ट ब्लोइंग विंड्स. Wherever the wind loses speed, it deposits the sand it carried and a hillock of sand is formed. अब क्या करता है, हवा बहुत तेज आती है तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के लेके चली जाती है. लेकिन जैसे ही हवा की स्पीड कम होती है, ये जो पार्टिकल्स है, मिट्टी है, वो एक जगह उसको जमा कर देते हैं. तो जहाँ पर वो जमा होती है वहाँ पर सैंड ड्यून्स, धोरे बन जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून. ड्यून्स कीप चेंजिंग देयर शेप एंड साइज. ये जो ड्यून्स है ये अपने शेप्स एंड साइज चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंट्रैक्शन विथ विंड. कि जितनी हवा चलेगी, कहाँ पे कितनी चलेगी, उसके हिसाब से इनके शेप एंड साइजेस में भी चेंजेस होंगे. मोस्ट ड्यून्स आर लॉन्गर ऑन द विंडवर्ड साइड वेयर द सैंड इज पुश्ड अप अ ड्यून, इट्स शॉर्टर ऑन द लीवर्ड साइड. लॉसेस, व्हेन वेरी फाइन ग्रेन सैंड विच इज वेरी लाइट गेट्स ब्लोन एंड सब्सिक्वेंटली गेट्स डिपॉजिटेड ओवर अ लार्ज एरिया, दिस इज कॉल्ड लॉसेस. लॉसेस में क्या होता है कि ये जो जब हवा चलती है तो अपने साथ वो जो बहुत ही हल्की मिट्टी होती है वो उसके साथ उड़ के चली जाती है और कहीं एक जाके डिपॉजिट हो जाती है. ऑफन द रिजल्टिंग लॉसेस डिपॉजिट आर सेवरल मीटर्स थिक. लॉसेस इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ चाइना. और ये इस तरीके के रीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में देखने को मिलते हैं. नाउ वी हैव वन स्टोरी अबाउट द अर्थक्वेक. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक किसे कहते हैं, इट इज़ अ सडन चेंज इन ऑन द अर्थ सरफेस या फिर शॉक्ड लगना. जब हमारी प्लेटलेट्स है, अर्थ के अंदर जो प्लेटलेट्स है जिन तो जब उनमें हलचल होती है, जब उनमें मूवमेंट आती है तो एक शॉक लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस पे जो भी लेयर्स है वो हिलने लग जाती है. हिलती है तो क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है या मोन्यूमेंट्स है या जो भी खड़ी चीज़ें वो सारी की सारी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है. तो ये अर्थक्वेक आना नॉर्मल चीज़ हमेशा आते ही रहते हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में आते हैं, फॉरेन में आते हैं, सब जगह आते हैं. तो एक हम स्टोरी पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे, कहीं की स्टोरी है ये, नेपाल के हैं. और कब आया था ये, 25 अप्रैल 2015 को आया था ये केस, कि उस टाइम अर्थक्वेक आने की वजह से हमें क्या क्या लॉसेस हुआ, कितना स्केल पे आया, और फिर जो भी सफ़र किए, जिन लोगों के घर टूट गए, जो लोग होमलेस हो गए या जिन लोगों के प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, तो उन लोगों को किस तरीके से हेल्प किया गवर्नमेंट ने और वो किस तरीके से अपने घर वापस बनाए, और अर्थक्वेक आने पर हमें क्या इंस्टेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. हमारे पास कोई भी जब जैसे हमें फीवर आता है तो हम हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, तो हमारे पास एक थर्मोमीटर होता है उसे हम चेक करते हैं. तो वैसे ही जब अर्थक्वेक आता है वो कितना इंटेंसिव आया, उसका कितना स्पीड आया, कितना या गहराई में आया, ये इसका एक मेजरमेंट होता है. तो वो मेजरमेंट हम करते हैं रिक्टर स्केल से, ये एक स्केल होती है जिससे इसका हम मेजरमेंट करते हैं. तो ऑन 25 अप्रैल 2015 अराउंड नून, आफ्टरनून की बात हो रही है, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल स्ट्रक नेपाल. और आया कहाँ पे, ये नेपाल में, जस्ट हमारे इंडिया के ऊपर. इट इज़ वॉज फॉलोड बाई ओवर 100 आफ्टर शॉक्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. और सिर्फ एक बार ही झटका नहीं आया, कुछ दिनों तक उसके बार बार झटके महसूस किए गए. इट्स एपिक सेंटर वॉज इन नॉर्थ सेंट्रल नेपाल एंड इट्स हाइपो सेंटर वॉज एट अ डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8.2 किलोमीटर बिलो द सर्फेस. और जो इसका हाइपो सेंटर था कि ये कहाँ पे आया था, वो 8.2 किलोमीटर नीचे आया था, अर्थ के जमीन के नीचे. और एपिसेंटर का मतलब होता है कोई एक रीजन पे स्पेशली उसी जगह पे आना. इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन दिस रीजन इन द लास्ट 80 ईयर्स. द ट्रीमोर्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे वर फेल्ट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे. इट डिस्ट्रॉयड नियरली ऑल द बिल्डिंग्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ काठमांडू. ये मेन जो रीज़न था काठमांडू में ही आया था. तो ये इतना जोर से आया कि काठमांडू में जो बिल्डिंग्स थी, मोन्यूमेंट्स थे, वो सारे के सारे टूट गए, पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गया. और जब अर्थक्वेक आता है, मान लो यहाँ इस सेंटर पे आया, ये इसका सेंटर, तो इसकी जो वेव्स होती है वो बहुत दूर तक महसूस की जाती है. तो यहाँ पे सेंटर आया तो यहाँ पे तो डिस्ट्रक्शन होगा ही. जहाँ पे इसकी वेव पहुँची, मतलब यहाँ पे भी झटके लगते हैं, तो यहाँ पे भी नुकसान होता है.
द सराउंडिंग नेचर पीपल्स वर रेंडर्ड होमलेस, पीपल क्या हो गए, होमलेस हो गए, उनके घर टूट गए तो बिना घर के हो गए, एंड कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से ही कट गए, मतलब जो चीज़ें अभी हम घर बैठे हमारे पास प्रॉपर पानी आ रहा है, लाइट आ रही है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, ऑफ हो गई। एज द ऑल रोड्स एंड इवन द एयरपोर्ट वर डैमेज, सारी सड़कें टूट गई, जो भी एयरपोर्ट थे वो टूट गए, जो रेलवे ट्रैक्स थे वो टूट गए, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। इट ट्रिगर्ड ह्यूज लैंडस्लाइड एंड एवलेंसेस इन द हिमालयस, और इसी की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ, लैंडस्लाइड का मतलब जमीन का खिसक जाना। दिस लैंड लॉक्ड कंट्री वॉज नियरली डेवेस्टेड, ओवर 9,000 पीपल्स डाइड, 9,000 पीपल्स क्या हो गए, डाइड हो गए, मर गए थे इस इंसिडेंट में, एंड 20,000 सफर्ड इंजरी, और 20,000 क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, मतलब उनको चोटें आई थी। 17 डेज लेटर अनादर मेजर अर्थक्वेक मेजर्ड 7.3 ऑन रिएक्टर स्केल्स हिट द सेम रीजन, और उसी के 17 दिनों बाद एक और बड़ा सा अर्थक्वेक आया जिसका मेजरमेंट कितना था, 7.3। दिस वन कपल्ड विद द डिजास्टर कॉज्ड बाय द अर्लियर क्वेक अफेक्टेड नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। These massive earthquakes destroyed nearly 6 lakh homes and another 3 lakhs were damaged to become unstable and insecure. The maximum impact was felt in remote area. इसका सबसे ज़्यादा जो impact पड़ा, इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो remote area पे हो रहा था। Remote area मतलब जो rural area होते हैं, जो rural area होते हैं। Since it is hilly region, reaching these remote areas टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब ये हिल प्लेन एरिया हो फिर भी हम कहीं से भी गाड़ी को निकाल सकते हैं, कैसे भी ले जाके उनको हेल्प दे सकते हैं, लेकिन अब ये कैसा रीज़न है, ये पहाड़ी वाला रीज़न। अब पहाड़ी पे तो गाड़ी चलाना ही मुश्किल होता है, और हर किसी को इतने अच्छे से चलाने भी नहीं आती, वहाँ पे सड़कें भी नहीं होती, वहाँ पे रास्ता भी नहीं होता, तो वहाँ पे हेल्प पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इट मेड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन डिफ़िकल्ट, और इसी डिफ़िकल्टी की वजह वहाँ पे जो हम रेस्क्यू कर रहे थे, रिलीफ कर रहे थे, मतलब लोगों को बचाने का कार्य, लोगों को हेल्प देने का कार्य, ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन एंड रोड नेटवर्क, अब वहाँ पे माउंटेन है, पहाड़ी है, सड़क अच्छे से थी नहीं, जो थी वो भी टूट गई, बात किसी से हो नहीं पा रही है, जो कम्युनिकेशन थे हमारे, फ़ोन थे वो सब बंद हो गए, लाइट भी नहीं थे, तो इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे हेल्प पहुँचाना और उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले वहाँ के लोगों को हेल्प पहुँचाई, जैसे उनको सपोर्ट किया, किस तरीके से उनको टेंट्स बना के दिए ताकि जो लोग होमलेस हो गए उनको घर पे बिठाना, ब्लैंकेट्स देना, क्लॉथ्स प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, फूड, इवन रेस्क्यू टीम वॉज फ्लोन इन, और जो रेस्क्यू टीम थी उनको भेजा गया। रेस्क्यू टीम मतलब जो भी हमारे मेम्बर्स होते हैं, जो इन स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, वो उनका काम यही होता है उनको रेस्क्यू करना, उनको बचाना, तो ये टीम जल्दी से जल्दी वहाँ पे भेजा गया। रेस्क्यू टीम एंड सर्च ऑपरेशन वर्क इनसेंसिटिवली टू फाइंड सर्वाइवर एंड डेड बॉडीज एंड टू सेटअप कैंप्स फॉर पीपल रेंडर्ड होमलेस। द टास्क ऑफ फीडिंग, गिविंग हेल्थ केयर, मेडिसिन, क्लॉथ एंड अदर इसेंशियल फैसिलिटीज वॉज अ मेमोथ वन, बट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सेवरल गवर्नमेंट NGOs एंड इंडिविजुअल वर बी सेव द रिहेबिलिटेट लैक्स ऑफ पीपल। रेस्क्यू टीम की वजह से, NGO की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से इतने हमने अच्छा काम किया कि हमने वहाँ पे जितने भी लोग थे फंसे हुए उनको निकाला, जो लोग होमलेस हो गए थे उनको घर दिए, उनके लिए खाना प्रोवाइड किया, उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड किया, तो इस तरीके से हमने अर्थक्वेक जो एक नेचुरल डिजास्टर है उसमें फंसे हुए लोगों को हेल्प की। तो ये हमारे कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो ह्यूमन बींग्स का कुछ कंट्रोल नहीं है, वो हो जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, फ्लड हुआ, एक्सेट्रा। लेकिन इंसान क्या कर सकते हैं, इनसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, पहले से ही अवेयर रह सकते हैं, पहले से ही इनके बचने के उपाय कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें जो ब्रॉडकास्ट होता है हमारा, उस टाइम बताते हैं कि अर्थक्वेक आया है या फिर आने वाला है, फ्लड आने वाला है, तेज़ बारिश आने वाली है, तो हम उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। अर्थक्वेक आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं, वहाँ खड़े हो सकते हैं, किसी भी टेबल के नीचे, जो ताकतवर चीज़ है उसके नीचे बैठ सकते हैं, बट घर के बाहर हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि वरना बिल्डिंग गिरती है तो हम वहीं पे फंस जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड कंप्लीट योर ऑल वर्क इन योर नोटबुक।